सेफ स्कोर सेफ स्कोर सेफ स्कोर। जब से रेलवे एएलपी सीबीटी 1 का आंसर की जारी हुआ है तब से दोस्तों सभी कैंडिडेट्स के मन में एक ही सवाल दौड़ रहे हैं कि भैया आखिर इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा सीबीटी 1 के लिए। तो दोस्तों इस सेशन में हम आप लोगों को रॉ स्कोर बतलाने वाले हैं कि आखिर आंसर की को मैच करने के बाद अगर आप लोग का 30 प्लस आ रहा है 35 प्लस आ रहा है तो कौन से कैटेगरी वाले इसके लिए सेफ बन रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों आप लोग को बता दें कि लगभग लगभग हम जो है 2500 से भी ज्यादा स्टूडेंट से अभी बात किए हैं, क्योंकि हमारे पास एक ग्रुप है और इसी ग्रुप में सभी से डिस्कस करने के बाद हमें मालूम चला है कि बहुत सारे भाइयों का यहाँ पर भ्रम टूटा। भ्रम क्या टूटा? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का भ्रम था कि हम जो अभी रेलवे एएलपी का तो एग्जाम देकर के आए हैं, मेरा 60 प्लस एकदम सही हो रहा है, मगर जब आंसर की को उन्होंने मैच किया तो मालूम चला है कि मात्र 40 प्लस पर ही जाकर के उनका जो है मामला खत्म हो गया। बहुत सारे भाई का 35 पर ही खत्म हो जा रहा है, बहुत सारे भाई का 50 भी आ रहा है। तो आखिर इसको देखते हुए सेफ स्कोर क्या रहेगा दोस्तों? तो बता दें कि 2500 टोटल स्टूडेंट से बात करने के बाद हम ये जो है आप लोगों के सामने दोस्तों एक एक्सपेक्टेड आप लोगों के लिए सेफ स्कोर बतला रहे हैं। तो आशा करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर भी नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाइएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास। आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इस बार आप लोगों के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग जनरल कैटेगरी वाले हैं, अगर आप लोग हमारे प्यारे साथी हो यूआर कैटेगरी वाले हैं, तो देखिए लगभग यूआर कैटेगरी का एक ही दोस्तों सवाल यहाँ पर आ रहा है कि भैया मेरा जो है क्या रहेगा, मेरा 40 आ रहा है, मेरा 50 आ रहा है, मेरा 52 आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग को बतला दें हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से बात करने की कोशिश किए और हमें जो एक अनुमान लग रहा है वो आप लोगों के लिए बतला दें कि दोस्तों आप लोगों का 45 प्लस जो है ना यहाँ पर सेफ स्कोर रहने का संभावना बन रहा है यूआर कैटेगरी में। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 45 प्लस अगर आप लोग का आ रहा है तो जो है यहाँ पर उम्मीद रखिएगा कि आप लोगों का रेलवे एएलपी सीबीटी 1 में सेफ स्कोर में आप लोग आ रहे हैं। ये हम आप लोग को रॉ स्कोर बतला रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं बतला रहे हैं। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आता है अब हम लोग के सामने कि ओबीसी कैटेगरी का आखिर क्या रहने वाला है सेफ स्कोर। तो दोस्तों बता दें कि ओबीसी कैटेगरी का जो आप लोगों का सेफ स्कोर है वो यहाँ पर दोस्तों 40 प्लस बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है दोस्तों? तो 40 प्लस अगर ओबीसी कैटेगरी का नंबर आया हुआ है तब आप लोग समझ लीजिए कि सेफ में आप लोग आ रहे हैं। रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा दोस्तों। और हाँ, लास्ट में वीडियो के लास्ट में आप लोग को सरप्राइज भी देंगे, एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है रेलवे के स्पेशल सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर वॉच करिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। अगर आप लोग रेलवे एएलपी या फिर रेलवे के किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा भी सरप्राइज मिलने वाला है। और उसी के साथ अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अब बात रही आती है दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कि आखिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो दोस्तों देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो यहाँ पर सेफ स्कोर बन रहा है वो दोस्तों अगर आप लोगों का 37 प्लस आ रहा है तो उम्मीद में रहिएगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है यहाँ पर नंबर आ सकता है। यानी कि दोस्तों मिनिमम आप लोगों का यहाँ पर यूआर में 45, ओबीसी के लिए 40 और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 37 रखिएगा। इससे अगर डाउन जा रहे हैं तो भैया कम चांस है आप लोगों का कि आखिर आप लोगों का जो है सीबीटी 1 में रिजल्ट आ पाए। वहीं पर बात कर ले दोस्तों अगर हम लोग एससी और एसटी कैटेगरी की, तो देखिए एसटी का तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डाउन जाता है, मगर एक हम आप लोगों को संभावित बतला दें तो दोस्तों देखिए आप लोग अगर एससी एसटी कैटेगरी से है तो हमें जहाँ तक मानना है कि 30 के करीब में अगर आ रहा है 29-30 तो आप लोगों का जो है यहाँ पर चांस बन रहा है, क्योंकि नंबर जो है बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर कम आया हुआ है, नंबर मिलाने के बाद यही दोस्तों मालूम चल रहा है। तो देखिए आप लोगों का अगर हम एक अनुमान ले लेते हैं तो दोस्तों अगर आप लोगों के 30 से 35 के बीच में आ रहे हैं तो आप लोगों का यहाँ पर चांसेस है कि सिलेक्शन हो सकता है रेलवे एएलपी सीबीटी 1 के लिए, आप लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। ये दोस्तों आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर साल 2024 का सीबीटी 1 का सेफ स्कोर रहने वाला है एएलपी के लिए, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। और उसी के साथ अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों तो देखिए आप लोगों के लिए जो सरप्राइज था वो आप लोगों को बतला दें। देखिए
एएलपी का जो भर्ती है हमारे प्यारे साथियों, अगले कुछ महीनों में अगर बात कर ले फाइनल एग्जैक्ट अगर आपको पूछिएगा तो फरवरी महीने में फिर से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा साल 2025 के एएलपी के भर्ती को लेकर के। तो देखिए उसी के रिगार्डिंग अगर आप लोग दोस्तों रेलवे का स्पेशल नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। देखिए नोट्स में आप लोग को क्या क्या दिया जाएगा दोस्तों, सभी जो है बस एक मिनट का टाइम दीजिए, आप लोग को सारी बातें विस्तार से समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है ना, ऑल सब्जेक्ट का सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों वन लाइनर प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बैरोमीटर, तो देखिए दोस्तों बैरोमीटर का जो उपयोग है यह वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। ऐसे ही आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आती है दोस्तों कि आखिर विद्युत धारा को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो अमीटर का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे देगा कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, चार ऑप्शन रहेंगे वहीं पर सही जवाब आप लोग का बैरोमीटर, अमीटर, अल्टीमीटर, फैदोमीटर ऐसे रहे ऑप्शन में रहेगा। तो अगर आप लोग वन लाइनर दोस्तों पढ़े रहिएगा तो आसानी से जो है आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि फैदोमीटर जो है समुद्र की गहराई को नापने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो ये ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों आप लोग को हम वन लाइनर प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसी के साथ अगर हम लोग बात कर ले तो देखिए आप लोगों के लिए रेलवे के सभी कैंडिडेट के लिए, रेलवे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सभी छात्रों के लिए यहाँ पर रेल ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट तो हम उपलब्ध ये वाला तो करा ही रहे हैं। ये आप लोग के लिए 24,000 से भी ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के तौर पर सब्जेक्ट वाइज रहेगा। और ऑल सब्जेक्ट का वन लाइनर तो आप लोग को प्रोवाइड करा ही रहे हैं, साथ में ये आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं। 24,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों मैथ विद सॉल्यूशन के साथ, स्टैटिक जीके में आप लोग का रेलवे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है, और साथ में साइंस के 5,000 ऐसे दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे जो कि रेलवे बार बार इस सभी क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है पहले। ठीक है, तो इसका आप लोग को जो है क्वेश्चन, चार ऑप्शन और यहीं पर आंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग ये तीनों प्रकार के रेलवे के फुल कॉम्बो पैक अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे क्या करिएगा दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर क्या है तो सभी स्टूडेंट लोग जो है व्हाट्सएप नंबर फटाफट आप लोग जो है नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए नंबर है आप लोग के लिए 7870141238। ठीक है, इस नंबर पर क्या करना है आप लोग को दोस्तों, व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप करके कोर्स बतला दीजिएगा कि भैया हम रेलवे एएलपी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन, किसी के लिए भी अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप किए हैं अपना कोर्स बतला दीजिएगा दोस्तों। और कोर्स बतलाने के बाद मात्र 89 रुपीज में जो है आप लोगों को जो है यहाँ पर फुल नोट्स रेलवे से संबंधित दे दिया जाएगा सभी के लिए। ठीक है, 7870141238 आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर, कोर्स बताइए और 89 रुपीज में पूरा नोट्स लीजिए, ऑल सब्जेक्ट का फुल नोट्स, ऑल सब्जेक्ट प्रैक्टिस है, तो और साइंस स्पेशल 5,000 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि रेलवे बार बार रिपीट करता है दोस्तों, ये सारे आप लोग को 89 रुपीज में प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और ये आप लोग का एएलपी सीबीटी 1 का दोस्तों एक्सपेक्टेड कटअप का चांसेस बन रहा है जो अब 2500 लगभग बात कर लें तो दोस्तों 2500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट, यानी कि 2500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट से मैंने बात किया तब यहीं आप लोग का एक नंबर जो है बन रहा है। ये रॉ मार्क्स है दोस्तों, नॉन रजिस्टर्ड मार्क्स नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों जो भी हमारे पास अनुमान बन रहा था आप लोग के सामने प्रस्तुत किए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा दोस्तों मित्रों के पास, चैनल पर नए के हैं दोस्त सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग को हम रिप्लाई देंगे। जय हिंद, जय भारत।